हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज डिलीशियस डिशेस। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गणपति स्पेशल मोदक यानी लड्डू। और ये मोदक हमने बनाए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, और जिससे जल्दी बन जाए, हमारा समय भी बचेगा। बिना चाशनी के बनाया है और बिना मावे के बनाया है और बिना सांचे के बनाया है, ये हमने हाथ से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है और हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच देसी घी। हमने 4 चम्मच देसी घी डाल दिया। गैस को लो ही रखेंगे और इसको गर्म होने देंगे। हमने लिया है 1 कप बारीक बेसन, और ये ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने कप से नाप के लिया है, ये कटोरी थोड़ी मेरी बड़ी है इसलिए मैंने फुल भर के नहीं ली। इसमें डाल देंगे, गैस को हम लो ही रखेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो इसको लो गैस पर हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे, इसमें अच्छे से भीनी भीनी खुशबू आ जाएगी। और इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमें भूनना है। अगर बेसन को चम्मच से नापेंगे तो 10 से 12 चम्मच है। घी आप थोड़ा सा जमा जमा लेना, अगर आप जमा जमा नहीं लोगे तो 1/4 कप इसमें देसी घी डाल देना। मेजरमेंट यही है, चाहे चम्मच से नाप के डाल लो चाहे आप कप से नाप के डाल दें। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये बेसन भून चुका है और हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, और इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए इतना ही करना है। और जिस कटोरी से हमने बेसन डाला था उस कटोरी से हमने थोड़ा सा कम चीनी डालनी है, 3/4 कप हमें चीनी डालनी है। तो इसमें डाल देंगे, गैस को हम लो ही रखेंगे, इसको बिल्कुल भी तेज नहीं करना। हमें बेसन भूनने का टाइम लगा 15 मिनट। अब हमने जितना बेसन लिया था कटोरी से नाप कर, उतना ही हमने लिया है दूध। तो इसमें डाल देंगे, दूध डालते ही हमारी चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी। इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसमें गुठलियां ना पड़े इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसको लो गैस पर इसको चलाते रहेंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर हमने इसलिए डाला है, इससे मावा का टेस्ट आएगा। और अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते, 1/2 लीटर दूध लेकर उसको आधा कर लें, और जितना हमने दूध डाला है आप उतना दूध डाल दें आधा करके, तो वो भी मावे का ही टेस्ट देगा और ये भी टेस्ट देगा मावे का। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन हो चुका है और इसने कढ़ाई छोड़ दी है अच्छे से। इसको हो गया है 25 मिनट लगातार बनाते हुए। अब हम गैस को कर रहे हैं बंद, तो इसको हम चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा, तो ये हमारे मोदक बनने के लिए तैयार है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम मोदक बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम फिलिंग भरेंगे उसमें मोदक के लड्डू के अंदर। तो फिलिंग के लिए हमें चाहिए काजू बादाम, और इसमें ये मेरा मिक्स है पहले से, काजू बादाम और पिस्ता। तो इसको मिक्स कर देंगे, इसको एक बाउल में डाल देंगे। अगर आप फिलिंग नहीं भरना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पीनट बटर, ये बाइंडिंग के काम आएगा। चलिए ये हमारा हो गया। और 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने इसलिए डाला है जिससे कि लड्डू खाते वक्त फीका ना लगे। अगर मान लो इसमें हमारी ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो इसमें हम 1 चम्मच दूध डाल लेंगे। अगर आप पीनट बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध से भी बाइंडिंग कर सकते हैं, या जो हमने बेसन भूना था वो हम थोड़ा सा इसमें डालकर मिला सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे हल्का सा, 1/2 चम्मच से भी कम। हमें इतना मिलाना है जिससे कि हम इसकी गोलियां बना सकें, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस ये फिलिंग तैयार हो गई। इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे लड्डू के अंदर भरने के लिए, इतने छोटी छोटी से बना लेंगे। ये हमारी छोटी छोटी गोलियां भी बन गई हैं, ये देखें। अब हम इन गोलियों को इसी के अंदर ही रख देंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इसको। चलिए अब हम इसके मोदक बनाते हैं। इसको फैला लिया बीच में और हम अपनी इसमें ये अपनी ये फिलिंग भर देंगे इसमें, इसका मुंह बंद कर देंगे।
हम बिना सांचे के बनाएंगे इसे और इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे। चलिए हमारा लड्डू तैयार हो गया, ये देखिए। अब हम इसे डिजाइन बना देंगे। इसे एक फोग लेंगे, चलिए हमारा ये तैयार हो गया। इसे एक प्लेट में रख देते हैं। एक बार हम और बना के दिखा देते हैं। सारे लड्डू हम बराबर ही बनाएंगे, फिलिंग भरेंगे, इसका मुंह बंद कर देंगे, उसको दबाते जाएंगे नीचे की तरफ और उसको घुमाते जाएंगे और ऊपर को उठाते जाएंगे, जैसे हमने पहले लड्डू में किया था ऐसे ही करेंगे। ये हमारा मोदक तैयार हो गया। ऊपर जो नोक है ये हमारे मोदक की, इस पर थोड़ा सा गैप देते हुए इसको डिजाइन बना लेंगे। ये हमारे मोदक तैयार हो गया। सभी मोदक को हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर आपको मोदक बनाने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप इसको हल्का सा मैश करें, इसको ऐसे मैश करें, इससे आपका लड्डू बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आराम से मक्खन की तरह बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे सभी मोदक बनकर तैयार हो गए और हमारे इसमें 10 मोदक बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको इससे छोटे बनाने हैं तो आप इसे छोटे भी बना सकते हैं बिना फिलिंग के। तो हमने लिया है थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर और ये ऑप्शनल है। इसमें एक दो बूंद पानी मिला देंगे। हम सभी मोदक पर इससे टीका लगाएंगे, आप केसर भी लगा सकते हैं। तो सभी मोदक पर हम फूड कलर लगा देंगे। सब पर केसरिया रंग लगा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे सभी मोदक पर चांदी का वर्क लग गया है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फोन पे जरूर क्लिक करना। चलिए फ्रेंड्स हम आपको एक काट के दिखाएंगे जो हमने इसके अंदर फिलिंग भरी है। इसके अंदर की फिलिंग अच्छे से दिख रही है और खाने में टेस्टी है और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे ये, इतने सॉफ्ट बने हैं हमारे ये मोदक। तो अगर आपको इसमें कलर मिलाना है तो जब दूध डालते वक्त दूध में थोड़ा सा कोई सा भी कलर डालकर आप उसको मिलाकर फिर उसमें बेसन में आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने बिना कलर के बनाए हैं। फिर मिलूंगी डिलीशियस डिशेज रेसिपी के साथ। थैंक यू।